नमस्कार, न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार चैनल और आपको यहां से पल पल की खबरें मिलती रहेंगी। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिला के सरैया बखरा स्थित विद्युत कार्यालय में, जहां पे उपभोक्ताओं के साथ लगातार अत्याचार पे अत्याचार होते आ रहे हैं, जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं बच्चा बाबू। देखिए आगे की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताइए। मैं बच्चा बाबू राम, भाकपा माले जिला कमेटी का सदस्य। आज आप लोग यहाँ पे विद्युत कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, आप लोगों का क्या मांग है, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, आज बखरा में विद्युत कार्यालय पर हम लोग आए हैं और आम जनता की समस्या जो है, बिजली बिल की समस्या है, जो FIR किया गया है बिल भुगतान के दौरान, और उसको अविलंब वापस लिया जाए। और भी मांगे हैं, जो 5 महत्वपूर्ण मांग है जो हम लोग उसको लेकर के आए हैं। एक है बिजली बिल का सुधार किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, जिन उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काट दिया गया है उसे अविलंब जोड़ा जाए। तीसरी मांग है हमारी, पंचायतवार शिविर लगाकर बिजली बिल सुधार व अन्य समस्याओं का निष्पादन अविलंब किया जाए। चौथा है, जिन उपभोक्ताओं पर बिल भुगतान को लेकर मुकदमा किया गया है उसे अविलंब वापस लिया जाए। और पांचवा है, 10,000 या उससे अधिक बिल वालों उपभोक्ताओं का सूद माफ किया जाए। तो ये 5 महत्वपूर्ण मांग लेकर के हम लोग ये मेमोरेंडम दिए हैं। SDO साहब नहीं थे, लेकिन उनका प्रतिनिधि मंडल है, उनको प्रतिनिधि है, उनको हमने ये मेमोरेंडम दिया है और उनसे बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है और उनको वो आश्वासन दिए हैं कि जितने भी समस्या है उस पर काम होगा। अगर समस्याओं का निदान नहीं होता है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? रणनीति होगी, अगर हम लोगों की मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग जो है आंदोलन करने पर बाध होंगे। लोग आंदोलन करेंगे जनता के सवाल पर, क्योंकि जनता त्राही माम है। बिजली बिल जो है छुपा जा रहा है, जो गलत है वो जांच का विषय है। 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार का बिजली बिल होता है क्या? BPL परिवार है, उसको जो है 50-50 हज़ार का बिजली बिल दिया गया है, क्या वो जमा कर पाएगा? गरीब आदमी खाने के लिए इस समय सोचता है और बिल का जो है, और उसमें भी कनेक्शन काट दिया जा रहा है, वो कैसे रहेगा? एक तो बिजली में रहने का उसको आदत हो गया और सारा चीज़ उससे हो रहा है और अभी काट दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि क्या समस्या है। तो इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आए हैं, मिले हैं, सकारात्मक बात हुई है और हम लोग ये आशा करते हैं कि हमारी मांग जो है पूरी हो। आप अपना परिचय देते हुए अपनी समस्याओं को रखिए। मेरा परिचय है शिवलाल प्रभात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ML के हम माने राज्य समिति के सदस्य है। और हम लोग ये बिजली के जो अनियमित जो बिल जो आम पब्लिक के बीच रखा जाता है और आम पब्लिक के अंदर एक आतंक पैदा किया गया है। और आतंक क्या है भाई, कि बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है और ये गंभीर समस्याओं को उत्पन्न करके परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे थे न्यूज बिहार संवाददाता रूपक सरकार के साथ। पल पल की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।